गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेक एसएसटी। एसएसटी में आज हम जो है अपना आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा चैप्टर था हमारा इससे पहले एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक। तो ये 13 चैप्टर था, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, काइंड्स ऑफ क्रॉप्स में देयर आर टू मेन क्रॉप्स सीजन्स इन इंडिया, रवि एंड खरीफ। रवि क्रॉप सच एज वीट एंड पल्सेस आर शोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन समर मंथ्स, एंड खरीफ क्रॉप सच एज द राइस, जूट, माइस एंड कॉटन आर द शोन इन समर एंड हार्वेस्टेड इन विंटर। अब देखिए, इसमें जो फसलें होती हैं खरीफ एंड रवि, जो सर्दियों में जैसे जो फसलें होती हैं कुछ, और जो आपकी होती हैं जैसे चावल, गेहूं, ये आपकी खरीफ में आती हैं, और गेहूं और दालें ये सब गेहूं और दालें ये सब रबी क्रॉप्स में आती हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद है हमारा लाइफ स्टॉक क्या है, यानी पशुधन क्या है उसको पढ़ते हैं। एनिमल्स डेट आर कैप्ट ऑन फार्म्स फॉर आवर यूज एंड प्रॉफिट आर कॉल्ड लाइफ स्टॉक। इन आवर कंट्री देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ काउज, बफेलोज एंड शिप। वी गेट मिल्क फ्रॉम कैटल। दिस मिल्क इज यूज फॉर मेकिंग बटर, घी एंड योर फेवरेट आइसक्रीम्स। देखिए, एनिमल्स जो हैं क्या करते हैं, फार्म्स में रखते हैं वो लोग, यूज़ करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, इसको आप कह सकते हैं लाइफ स्टॉक कहलाता है। ठीक है, और हमारे देश में जो है बहुत बड़ी मात्रा में काउ, बफेलो, शीप हैं, इनसे इनके दूध निकाला जाता है, उसके दूध से बटर, घी और बहुत सारी चीज़ें, और आपको जो पसंद है आइसक्रीम, ये सब बनाई जाती है। कैटल विच गिव मिल्क आर कॉल्ड मिल्क कैटल। ठीक है, जो कैटल होते हैं, जो चरवाहे जिनको कह सकते हो आप, वो हमको दूध देते हैं, वो मिल्क कैटल कहलाते हैं। ऑक्सन आर यूज टू लेवल एंड प्लॉग द फील्ड्स। दे आर यूज टू रन द पर्शियन व्हील, यानी राहत। बुलक कार्ट्स आर यूज एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विलेजेस। काउ डंग इज यूज एज अ फ्यूल एंड मैनर। इट इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस। बायोगैस इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, फ्यूल के काम आती है उनके बायोगैस जो होती है ईंधन की, ईंधन की। वी गेट वूल फ्रॉम द शिप एंड गोज, सॉरी गोट्स, एंड वूल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वूलन क्लोथ्स, ब्लैंकेट्स एंड कारपेट। अब आपको पता है शिप है और बकरियां हैं, तो ये हमें जो है काफ़ी मदद करती है कपड़े बनाने के, जैसे क्लोथ्स के, ब्लैंकेट के, इनके उससे एंड कारपेट बन जाती है। ठीक है, एनिमल्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्पेशल टाइप्स ऑफ ब्रशेस फॉर पेंटर्स, उनके ब्रश, उनके बालों से, उनके हेयर से पेंटर के ब्रश, आर्टिस्ट के ब्रश बनते हैं, ये बहुत सारे काम आती हैं। Hearts of animal are used for making leather products. तो जो hides of animals, like कह सकते हैं उनकी, बहुत सारे animals हैं जिनकी चमड़ी से, उनकी skin से जो है leather products बनते हैं, जैसे चमड़े के bag होते हैं आपने देखे होंगे, तो ये सब उनकी skin से बनता है। And flesh of some animals is eaten as food. Eggs of hens and ducks are also eaten. ठीक है, एंड फिर ये कुछ जो है इनको खाया जाता है, एनिमल्स को जो गोश्त के रूप में कह सकते हो, मांस खाते हैं वो, अंडे भी खाए जाते हैं उनके, और कुछ ऐसे ही खाते हैं। एंड फिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट फूड ऑफ द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया। ठीक है, ये कोस्टल एरिया लेदर प्रोडक्ट्स जैसे हमने बताया बैग, ये आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये उसके बाद है वेटरनरी डिस्पेंसरीज हैव बीन ओपन इन मैनी विलेजेस। न्यू ब्रीड्स ऑफ कैटल हैव बीन इंट्रोड्यूस। ऑल दिस स्टेप्स हैव लेड टू एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। दिस इज कॉल्ड द वाइट रेवोल्यूशन।
ये वाइट रेवोल्यूशन कहलाता है, जहाँ पे डिस्पेंसरी खोली गई हैं गांव गांव में, जहाँ पे जो है इनको जानवरों को उनके जब बीमार हो जाते हैं कुछ भी, तो वहाँ पे उनको देखा जाता है। ठीक है, इस तरह से ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।